नमस्कार, मैं शिवानी और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। जीतू पटवारी ने कहा, यह चुनाव कांग्रेस भाजपा का नहीं है बल्कि लोकतंत्र की मर्यादा को बचाने का है। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी मीडिया विभाग के अध्यक्ष एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री जीतू पटवारी ने सुर्खी विधानसभा क्षेत्र के राहतगढ़ में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने प्रदेश भाजपा सरकार के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तथा यहां से भाजपा प्रत्याशी गोविंद राजपूत पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि नोटों से बनी सरकार के किलों को वोटों से ध्वस्त कर भय, दबाव और आतंक के राज का खात्मा करने का समय आ चुका है। सभा को प्रदेश युवा कांग्रेस के अध्यक्ष कुणाल चौधरी एवं मंत्री लखन घनघोरिया व कार्यकारी अध्यक्ष सुरेंद्र चौधरी समेत कई नेताओं ने संबोधित किया। राहतगढ़ के दशहरा मैदान में आयोजित जनसभा संबोधित करते हुए जीतू पटवारी ने कहा कि जिस व्यक्ति और परिवार को 40 सालों तक कांग्रेस पार्टी ने मजबूत बनाया, वही व्यक्ति कांग्रेस पार्टी और सुर्खी की जनता को दगा देकर भाजपा के साथ खड़ा हो गया। रुपयों की खातिर चुनी हुई कांग्रेस की सरकार को गिराने का मुख्य अपराधी बन गया। उन्होंने कहा कि यह चुनाव कांग्रेस और भाजपा का नहीं बल्कि यह चुनाव लोकतंत्र की मर्यादा को तार तार होने से बचाने और प्रजातंत्र के धर्म की रक्षा का है। युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष व विधायक कुणाल चौधरी के सवाल उठाते हुए कहा कि प्रदेश में जनता द्वारा चुनी हुई कांग्रेसी कमलनाथ सरकार ने ऐसा क्या गुनाह किया था कि भाजपा ने सैकड़ों करोड़ों रुपये का सौदा कर सरकार को गिरा दिया। श्री पटवारी ने शिवराज सिंह चौहान को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि कमलनाथ सरकार ने तो किसानों का कर्जा माफ किया है, लेकिन आपकी सरकार में कर्ज में डूबे किसान ब्याज माफिया के दबाव में मौत को गले क्यों लगा रहे हैं। उन्होंने सुर्खी क्षेत्र के रुके हुए विकास और साफ सुथरी राजनीति के लिए पीढ़ी लिखी क्षेत्र की बेटी पारुल साहू को भरी बहुमत से जिताने और मध्य प्रदेश में एक बार फिर कांग्रेस की कमलनाथ सरकार स्थापित करने का आह्वान उपस्थित जनता से किया। पूर्व मंत्री और सुर्खी विधानसभा चुनाव के प्रभारी श्री लखन घनघोरिया ने कहा है कि सुर्खी क्षेत्र की जनता को धोखा देकर उनकी वोट बेचने वालों की कलई खुलकर सामने आ गई है और उनको खुद ही दिखने लगा है, जिसके कारण सिहोरा की सभा में मुख्यमंत्री के सामने भाजपा प्रत्याशी गोविंद सिंह राजपूत को रोते हुए जनता से माफी मांगनी पड़ी। उन्होंने कहा कि जनमत और लोकतंत्र की हत्या का अपराध ब्रह्म हत्या का भी बड़ा है, जिसमें प्रस्ताव या माफी नहीं बल्कि सिर्फ सजा ही मिलती है। इस दौरान कई जनप्रतिनिधि एवं युवा कांग्रेस कार्यकर्ता एवं वरिष्ठ कांग्रेस कार्यकर्ता एवं क्षेत्र के अनेक लोग शामिल रहे। राहतगढ़ से सलमान कुरैशी की रिपोर्ट, देखते रहिए द खबरदार न्यूज। नमस्कार। कहते हैं कि आपने जनता का मत बेचा, फिर बहस आती है कि कोई कहता है 30 करोड़ में बिका, कोई कहता है 25 करोड़ में बिका, कोई कहता है 35 करोड़ में बिका, कोई कहता है 50 करोड़ में बिका, कोई कहता है कि ये तो बेचने और खरीदने वालों के सरगना थे 100 करोड़ में भी। मैं कंफ्यूज हूं लखन दिया, अच्छा कितने में बिका फिर से बताओ, कितने में बिका? ये हम नहीं कह रहे, ये जनता कह रही है कि आप 100 करोड़ के ऊपर बिके हो। गोविंद राजपूत जी, हम नहीं कह रहे। एक दिन विधानसभा था, एक दिन का सब, मुझे गोविंद राजपूत जी मिले, मेरे घर के आगे ही रहते थे, कांग्रेस के थे, हमारे ही साथी थे, हमारे ही मंत्री थे, तो मेरी बातचीत होती रहती थी। जब मेरी बातचीत होती रहती थी तो मुझे एक दिन कहे, जीतू मैं एक दिन इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनूंगा। और मेरे ख्याल से यहाँ भी कहते होंगे सुर्खी में भी वो मुख्यमंत्री बनवा बोलते थे। मैंने एक दिन गलती से उनको कह दिया कि भैया आप मुख्यमंत्री बनोगे, दूसरा सिंधिया क्या करेंगे। यार उनका टाइम गया, मुझे कहा अगर गोविंद राजपूत मैं झूठ बोल रहा हूँ तो मेरा गिरेबा पकड़ लेना। मैंने कहा भैया जब इतना कॉन्फिडेंस है इस आदमी में, तो मैंने कहा मंत्रिमंडल में जब बनो मुझे भी ले लेना। तो मुझे आज पता चला कि एक बिकाऊ माल, हमारी बेटियां बहनें, हमारे परिवार की सभी नारी शक्ति ये 9 दिन दुर्गा के पाप का अंत करने वाले उस महारानी के उस अवसर पर मैं आप लोगों के बीच में आया हूं। मैं आप सबको सलाम करता हूं, साधुवाद करता हूं, धन्यवाद देता हूं। सुर्खी विधानसभा में
उसी यूनिवर्सिटी में पढ़ा हो जिससे आप लिखे। और गोविंद राजपूत जी, हम सब उसी पार्टी के हैं। रहमो करम पर तुम छोटे से किराए के मकान से किला कोठी में पहुंचे। आदरणीय लगन मेले में जब आ रहा था आपका एक अच्छी स्पीच, सबने तारीफ की। मेरे मन में ख्याल आया कि यार ये परिवार तो साहू जी की बेटी अपना कांग्रेस का पुराना परिवार है, इनको तो कांग्रेस में होना था, बीजेपी में चली कैसे गई। सच में मैं हाजिर नाजिर नाम मान के सब सही बात करें। मैंने पारुल से बात की, मैंने कहा पारुल दीदी आप तो इतनी बढ़िया वक्ता है, इतनी अच्छा आपका संस्कार है, आप तो कांग्रेस में होने की कहा इन बेरुपयों में। तो उन्होंने कहा कि भैया मैं तो इधर से लड़ लियो, पापा उधर से थे, पर ऐसा वैसा। फिर हमारी बातें चलती गई, जब भी मैं भैया सागर आता था तो मैं पारुल के घर जाता, तो जब पारुल के घर जाता था तो कई कांग्रेसी कहते थे यार ये इनके घर भी जाते, पर मुझे पता था एक दिन मेरी बहन अपने घर आएगी, माई को आएगी। तो मैं मानता हूं कि अभी पारुल या है नहीं, पर पारुल के सब भाई यहां बैठे बैठे नहीं बैठे, और एक बहन के लिए जब मान पान और शान की बात आ जाए तो भाई का धर्म क्या होता है? रक्षा करना। अब ये कहते हैं गुंडे कि हम जमीन में गाड़ देंगे, तो क्या पारुल के भाई चुप बैठे हैं? अरे फिर से बताओ, क्या गुंडे 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 ये कहते हैं कि हम जमीन में गाड़ देंगे? मेरे को पहले तो ले गए सम्मान से बिठाया, सेल्फी भी चली, सेल्फी ली और कहा झंडों पे मत जाना। ये झंडे लगाए हैं उन्होंने जो जमीन में गाड़ने की बात करते, मंच से जिनको दो गज का कोई व्यक्ति दिखता नहीं हो वो झंडों और झंडों के डर पे कार्यकर्ता और राहतगढ़ की जनता को डराना चाहते हैं। एक गरीब कार्यकर्ता परिवार का मेरा साथी, मैंने फोटो खिंचवाया उसके साथ, कहा है ये रजत भारती भारत है, भारती राम एक पीतम रजत है। दिलीप पटेल जी का, दिलीप पटेल जी का ये किला कोठी के भ्रष्टाचारी, डराएंगे तो डरोगे क्या? इधर बताओ, हम ही नहीं डरेंगे, हमको हराएंगे इनके 1000 वोटों से। क्या राजा, क्या कमलेश बघेल ने डराया? क्या कहा? उन्होंने कहा भाजपा भाजपा छोड़ो कांग्रेस में आओ, कांग्रेस छोड़ो भाजपा में आओ। उस कमलेश बघेल को ये बोल कि भाई जिला अध्यक्ष तेरे को जीतू पटवारी ने रखा था कांग्रेस का, और जितने लोग सत्ता के साथ गए वो क्या है? दलाल। तो किना मैं दलाल नहीं हूं, मैं कांग्रेस का सिपाही हूं। ये सब बोला नहीं बोला? आप फोन आए तो डबल बोल लो, जाओ बैठो। आप क्या कहना चाहते हो? अच्छा आकाश, इसका भी मैंने सुना था साइकिल की दुकान वाले से कितना डर, 1 लीटर पेट्रोल में डर गया तू, खुद की गाड़ी में डालने का पेट्रोल घर में रखा, पुलिस से केस बनवाया। बात इतनी है, दिलीप भैया इधर आएंगे तो भाषण सुने मैंने। हाँ कोई बात नहीं है, एफआईआर से ही बात करूंगा। आप बात की तरह हम
वहाँ बिजली के खंभे, सीसी रोड निर्माण पालन में कर रहा है नहीं कर रहा है? विगत 25 सालों से जैसा मैंने कहा, गोविंद राजपूत जी उनका परिवार किराए के मकान में रहते, गुलाब भैया टीचर थे, बीड़ी बनवाते, ऐसे टीला कोठी हो गए, कैसे से कैसे हो गए, पर जनता का कितना भरोसा जीता उसके बाद पेट की भरा इन्होंने अपने आप को बेचा। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं कि आप सब परिवार के साथ मिलकर कमलनाथ जी के हाथ मजबूत कर लें। एक ऐसा मुख्यमंत्री जो सिर्फ केवल विश्वास रखता है मध्य प्रदेश के उत्थान में, समृद्धि। मैं मानता हूं कि उनके हाथ मजबूत करने के लिए हम सबको, किसानों के कर्ज माफ करवाने के लिए हम सबको, गरीबों को 800 रुपये पेंशन बुजुर्गों की, और इसके लिए सबको, हम सब परिवारों को मध्य प्रदेश की समृद्धि हो, इसके लिए एक साथ पारण साहु को हाथ के पंजे पर मोहर लगा के जिताना। कई बातें आएगी कि थोड़ा मैनेजमेंट में थोड़ी आवश्यकता हो, थोड़ी जरूरतों में थोड़ी और अच्छा चुनाव दर्ज की आवश्यकता हो। मेरे को पहले तो ले गए सम्मान से बिठाया, सेल्फी भी चली, सेल्फी ली और कहा झंडों पे मत जाना। ये झंडे लगाए हैं उन्होंने जो जमीन में गाड़ने की बात करते, मंच से जिनको दो गज का कोई व्यक्ति दिखता नहीं हो, वो झंडों और झंडों के डर पे कार्यकर्ता और राहतगढ़ की जनता को डराना चाहते हैं। एक गरीब कार्यकर्ता परिवार का मेरा साथी, मैंने फोटो खिंचवाया उसके साथ, कहा है ये बात भारतीय भारती राम, एक प्रीतम रजत है। हाँ समझाना चाहता हूँ, आ जाओ दिलीप पटेल जी का, हाँ दिलीप पटेल जी का, ये किला कोठी के भ्रष्टाचारी डराएंगे तो डरोगे क्या? इधर बता, हम ही नहीं डरेंगे, हम तो हराएंगे इनके 1000 वोटों से। क्या राजा, क्या कमलेश बघेल ने डराया, क्या कहा? उन्होंने कहा भाजपा छोड़ो कांग्रेस में आओ, कांग्रेस छोड़ो भाजपा में आओ। उस कमलेश बघेल को ये बोल कि भाई जिला अध्यक्ष तेरे को जीतू पटवारी ने रखा था कांग्रेस का, और जितने लोग सत्ता के साथ गए हो वो क्या है? दलाल। तो किना मैं दलाल नहीं हूँ, मैं कांग्रेस का सिपाही हूँ, ये सब बोला नहीं बोला? आप फोन आए तो डबल बोल लो, जाओ बैठो। आप क्या कहना चाहते हो? अच्छा आकाश, इसका भी मैंने सुना था, साइकिल की दुकान वाले से कितना डर, 1 लीटर पेट्रोल में डर गया तू, खुद की गाड़ी में डालने का पेट्रोल घर में रखा, पुलिस से केस बनवाया। बात इतनी है, दिलीप भैया इधर आएंगे तो भाषण सुने मैंने, हाँ कोई बात नहीं, एफआईआर से ही बात करूंगा। आप बात कितनी, बस वोट के हमारा फार्मा क्या होगा, वोट दी। मुझे आज तक पता नहीं पड़ा कि आईआईटी का, आईटीआई का यार काम चालू करवाया तो क्यों रोक दिया गया? विकास कहां गए? 15 महीने से आप मंत्री थे। मुझे ये बताओ कि बीना नदी पर अंग्रेजों के जमाने से 200 साल पुराना पुल, 25 साल से गोविंद जी कई बार जीत गए पर वो बनाने का अवसर किसको मिला? मुझे विजय बनाएंगे भारत।
पैसे लेना बुरी बात है, किसी के भी इस तरह के गलत पैसे लेना अच्छी बात नहीं, फिर भी इनके पास खास पैसा है वो जनता के बीच में से आया है, अगर ये नहीं माने और दे दो ले तो फिर भैया किसी का मन नहीं माने तो ले ही लेना, वोट किसको देना। और ये कुछ मैंने सुना पिलाने का भी काम कर, पीना ऐना नहीं है, अच्छी बात नहीं है, फिर भी मन नहीं माने तो कर लेना और वोट किसको देना। इस प्रदेश के अंदर जो कमलनाथ जी ने काम किए कोई कम काम किए बताओ आप मेरे को, क्या गरीब की पेंशन बढ़ाई खराब काम किया, क्या मध्य प्रदेश के अंदर किसान का कर्जा माफ किया खराब काम किया, क्या दूध के भाव बढ़ाए कम काम किया, क्या बिजली के बिल आपके 100 रुपए के अंदर दिए गलत काम किया, तो मेरे साथ एक बार हाथ उठा के भरोसा दिलाओ, नारे लगाएंगे मैं आवाज दूंगा बाबा जाना चाहिए कमलनाथ पीछे से भी आगे। इस प्रदेश में नहीं चलेगी, हमने माफिया को उखाड़ दिया था, पिछले 15 महीने में वो इंदौर में इतना बड़ा माफिया बनता था उसके हजारों करोड़ की बिल्डिंग नष्ट कर दी, चिंता मत करो ये कोई बड़ी बात नहीं कि जिसने डर और भय से पैसा कमाया होगा, जिसने आतंक के साथ चलाया होगा उसकी भी अगर सागर में बड़ी बड़ी बिल्डिंग होगी तो वो भी कमलनाथ जी को नहीं बचेगी, इस चिंता को मत करना, ये कमलनाथ जी मुख्यमंत्री है और मैं आपसे कहने आया हूँ, मेरी बहन के रूप में यहाँ पे पारुल खड़ी हुई है, एक ऐसी व्यक्तित्व जिसका आपने देखा है, जो आपके साथ के लिए, जो आपके परिवार के रूप में, एक बेटी के रूप में, एक बहू के रूप में, एक बहन के रूप में आपके सेवा करने का काम, और जो परिवार है वो इस परिवार के साथ कहीं ना कहीं पूरी ताकत के साथ आपकी सेवा करने का मौका दीजिए, मैं आपसे कहने आया हूँ कि लोकतांत्रिक मूल्यों को बचाने का चुनाव है, इस बार बीजेपी के लोगों से भी कहना कि ये बीजेपी कांग्रेस का चुनाव नहीं है, ये चुनाव लोकतंत्र को बचाने का है, ये चुनाव इस बात का है कि लोकतांत्रिक मूल्य बचेंगे कि नहीं, अगर लोकतंत्र बचेगा तो कहीं ना कहीं हम लोगों के बीच में आगे भी होता रहेगा, मैं ये कहते जा रहा हूँ कि हाथों में खंजरी नहीं आंखों में पानी भी चाहिए, ए खुदा ए परवरदिगार ए मेरे ईश्वर दुश्मन भी हमें खानदानी चाहिए, तुम रखो कप्तानी के बड़े बड़े किले कोठी और ये महल हम लोग हैं पुराने, हमें विधायक सही कानून चाहिए, विधायक सही कानून चाहिए, पूरी ताकत के साथ लगना है, करने की जरूरत नहीं है, ये आएंगे और पैसे ले लेके आएंगे, इनके पास कोई काम नहीं बचा है, ये सोच रहे हैं जो करोड़ों रुपए भ्रष्टाचार में कमाए हैं उस भ्रष्टाचार के पैसे से आपको खरीदना चाहेंगे, फिर चाहे ये बिक जाए, पर आप ध्यान रखना, मैं तो कहता हूँ कि पैसे लेना बुरी बात है, किसी के भी इस तरह के गलत पैसे लेना अच्छी बात नहीं, फिर भी इनके पास खास पैसा है वो जनता के बीच में से आया है, अगर ये नहीं माने और दे दो ले तो फिर भैया किसी का मन नहीं माने तो ले ही लेना, वोट किसको देना। और ये कुछ मैंने सुना पिलाने का भी काम करें, पीना है ना नहीं है, अच्छी बात नहीं है, फिर भी मन नहीं माने तो कर लेना और वोट किसको देना। इस प्रदेश के अंदर जो कमलनाथ जी ने काम किए कोई कम काम किए बताओ आप मेरे को, क्या गरीब की पेंशन बढ़ाई खराब काम किया, क्या मध्य प्रदेश के अंदर किसान का कर्जा माफ किया खराब काम किया, क्या दूध के भाव बढ़ाए कम काम किया, क्या बिजली के बिल आपके 100 रुपए के अंदर दिए गलत काम किया, तो मेरे साथ एक बार हाथ उठा के भरोसा दिलाओ, नारे लगाएंगे मैं आवाज दूंगा बाबा जाना चाहिए कमलनाथ पीछे से भी आगे से भी और सब जगह, अरे प्रदेश के पुकारता हर ताकत के साथ आवाज आना चाहिए, किले कोटी तक पहुंचना चाहिए और सरदार सिंधिया तक, ये प्रदेश के पुकारता पुकार।
साथ अपनी बात को शुरू करूंगा कि रख हौसला, वो मंजर भी आएगा। प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर न बैठ मेरे लोकतंत्र के मुसाफिर, इस कतार की जमानत भी जब्त होगी। आपको धर्म का साथ देना है, ऐसा पाप मत कर देना, ऐसा पाप मत कर देना कि हमें लोग माफ ना करें, हमारी पीढ़ी माफ ना करे। आज हेलो तो आज ये नौबत नहीं होती। आप लोग सहजता में रहे, आप मध्यप्रदेश सुधारने की कोशिश करने लगे, तो एक कारण ये था कि उन्हें समझ में आ गया था भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कि यदि कमलनाथ जी इस तरह से सरकार चलाएंगे तो कुछ सालों बाद, कुछ महीनों बाद हमारी जगह जेल में होगी। तो इन्होंने कमजोर कड़ी ढूंढी और इन्होंने क्या किया, इन्होंने सिंधिया जी को पकड़ा। तो आज ये नौबत नहीं होती। आप लोग सहजता में रहे, आप मध्यप्रदेश सुधारने की कोशिश करने लगे, तो एक कारण ये था कि उन्हें समझ में आ गया था भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कि यदि कमलनाथ जी इस तरह से सरकार चलाएंगे तो कुछ सालों बाद, कुछ महीनों बाद हमारी जगह जेल में होगी। तो इन्होंने कमजोर कड़ी ढूंढी और इन्होंने क्या किया, इन्होंने सिंधिया जी को पकड़ा। इनका अहम को बता देना, घमंड को बता देना और परम साहू आपकी क्षेत्र का विकास किया है, सुर्खी की जनता की मांग पर परम साहू चुनाव लड़े, सेवा करने परम साहू आपके क्षेत्र में आई है, उनको वोट देकर भारी वोटों से विजय बनाना। और अंत में मैं अपनी बात करता हूँ, सच्चाई छोड़ नहीं सकती। ग्राहकों तहसील का और देवगंज का जो क्षेत्र में आ रहा है वो जिसके लिए, क्योंकि यहाँ पर राजस्व मंत्री भी रहे आदरणीय गोविंद सिंह जी, उनने इन पंद्रह महीनों में उन किसानों के लिए, राजगढ़ क्षेत्र के हो चाहे हमारे देवगंज, किसी भी किसानों के लिए उसमें कोई भी प्रयास नहीं किया। और यहाँ राजगढ़ में सागर हाथ के पंजे पर उचक के तुम कहां कहां गिरोगे, तुम्हें कोई बचाने वाला नहीं। आज आप सब जानते हो ये चुनाव अन्याय और न्याय का चुनाव है। सर्दियों को सड़ दो। ये चुनाव किसने दिया, कौन लाया चुनाव के लिए हमें इस क्षेत्र में? आज आपके किसानों की दशा क्या है? किसान मंडियां खत्म है, हमलों की मजदूरी जाने वाली है, मजदूरों की मजदूरी जाने वाली है, व्यापारियों का कारोबार जाने वाला है, नौजवान की नौकरी। आज जिन बिकाइयों के कारण सुर्खी बदनाम हुई है, जिन बिकाइयों के कारण नौजवान आवाम और किसान बदनाम हुआ है, आज ये चुनाव उसके सम्मान का चुनाव है। इस क्षेत्र में 2500 साल से कांग्रेस पर काबिज करने वाला है। मंदरे भैया, हल्के भैया, अगले भैया, भैया भैया इतने दो ही भैया ही भैया है, कौनों कौनों का काम हो गया सब गया। हमारे भी वही 18 यूनिवर्सिटी के खेले आए जो उनसे तुम निकले हो। और इधर के कर्मचारी अधिकारी भाई बंधु से हम कहना चाहते हैं, तो हाथ जोड़े की प्रार्थना तुम्हारे से नहीं है, तनक सो ढकार तुम्हारे भी लगा दो, जिन्हें कहा हो जाए सुर्खी आजाद हो जाए। सुर्खी क्या मांगे? आजादी। हमारी सुर्खी क्या मांगे? तो
हाथ के पंजे पर बटन दबाए और सुर्खी को आजाद करते हुए आप अपनी स्वतंत्रता के साथ, सम्मान के साथ, अभिमान के साथ आप इस क्षेत्र का नेतृत्व करें, आप सब यह चुनाव लड़ें, इसी अभिवादन के साथ बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद, जय हिंद। तो हाथ जोड़े की प्रार्थना तुम्हारे से नहीं है, तनक सो ढका तुम्हारे भी लगा दो, जिन्हें कहा हो जाए सुर्खी आजाद हो जाए। सुर्खी क्या मांगे? आजादी। हमारी सुर्खी क्या मांगे? आजादी। कांग्रेस क्या मांगे? आजादी। कांग्रेस पार्टी क्या मांगे? आजादी। क्या मांगे? आजादी। क्या मांगे? आजादी। 3 तारीख को हाथ के पंजे पर बटन दबाए और सुर्खी को आजाद करते हुए आप अपनी स्वतंत्रता के साथ, सम्मान के साथ, अभिमान के साथ आप इस क्षेत्र का नेतृत्व करें, आप सब यह चुनाव लड़ें, इसी अभिवादन के साथ बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद, जय हिंद। माननीय नरेंद्र चंद्र जैन जी, जिन्होंने सुर्खी में, पूरी सुर्खी में अपनी ब्रांचें खुलवा के कांग्रेस के कारण है खुलवाए और हमारी कांग्रेस को जिंदा किया, मैं आपसे नमन करता हूँ। आज इस मैदान में, दशहरा मैदान में सुर्खी की वो जनता हमारे बीच में है जो न्याय करेगी और 10 तारीख को रिजल्ट के रूप में हमारे कमलनाथ जी के लिए मजबूत करेंगे और नरेश भैया को सच्ची श्रद्धांजलि देंगे। जीत की एक बार हाथ उठा के सब लोग बोले कि नरेश भैया को हम न्याय दिलाएंगे। जा रहे हैं वहाँ वहाँ 20,000 30,000 50,000 एक एक विधानसभा के लोग एकत्रित हो, इसके पीछे भाव क्या है? भाव कमलनाथ जी का 11.5 महीने का कार्यकाल जिसमें उन्होंने समृद्धि दी, मध्य प्रदेश का विजन दिया, मध्य प्रदेश के परिवार वालों को विजन दिया। भारतीय जनता पार्टी घबरा गई और मुद्दों पे चुनाव नहीं लड़ना चाहती, इधर उधर पूरी दुनिया में जाना चाहती है, पर समृद्ध मध्य प्रदेश कैसे बनेगा और 15 साल में हमने क्या किया इसका उत्तर भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। कमलनाथ कहते हैं मैंने किसानों की कर्ज माफ की और मेरी योजना आगे चालू रहेगी। कमलनाथ कहते हैं मैंने गरीबों की 300 रुपए से 800 रुपया पेंशन की। कमलनाथ कहते हैं 10 दिन में 800 कर दिए पटवारी जी, फिर कमलनाथ जी कहते हैं कि मध्य प्रदेश में हर तरह की समृद्धि लाने के वचन के साथ में काम कर, और भारतीय जनता पार्टी इधर उधर सब दूर घूमती। गोविंद राजपूत, ये जन समुदाय बताता है कि गोविंद भैया आज मंत्री नहीं रहे, पहले विधायक नहीं थे, आने वाले समय में एकदम कुछ नहीं रहेंगे, ये विश्वास, ये भरोसा यहाँ सुर्खी की जनता देती है। मैं मानता हूँ कि ये चुनाव मध्य प्रदेश के लोकतंत्र को बचाने का, न कांग्रेस का है न बीजेपी, और मध्य प्रदेश की जनता और भारतीय जनता पार्टी के बीच हो रहा। भारतीय जनता पार्टी हारेगी और कमलनाथ, कांग्रेस और जनता जीतेगी। धन्यवाद। मर्यादा और जब ये सीमा लांगी जाती चुनाव हुए लगातार, लेकिन इस प्रकार की जो बयानबाजी है वो कभी, ये हमने बोला ना पिछले 10-12 साल किसी पराकाष्ठा हो जब देश के सर्वोच्च पद पर बैठा व्यक्ति है तो ये सीमाएं लांगेगा तो फिर कौन उसकी मर्यादा। मुख्यमंत्री की अगर तीसरी जनसभा थी आज जो सिंहोरा सुर्खी क्या लिखा है, तो उनको अपनी जमीन हकीकत की दिख है, उसी में लिखा है कि तुम्हारे पांव के नीचे जमीन है। स्वागत करते हैं जिनके झेल रहा कांग्रेस के साथ नेता से
सामने से सब्सक्राइब हो जाए भैया स्वागत की मेरा फोन नंबर मान लीजिए सबसे मैं पीछे वाले साइड में जाऊंगा पांच मिनट में बिजली कट जाएगी पांच मिनट में पांच बजे साइड में हो जाओ भैया बैठ जाओ इधर बैठ जाओ अंडोदा जी सम्माननीय सुरेंद्र चौधरी जी सम्माननीय आनंद लहरा जी यहाँ के हमारे ब्लॉक अध्यक्ष आदरणीय प्रहलाद पटेल जी दिलीप पटेल जी मुन्ना भैया और लाल भैया उपस्थित सभी देवियों और मित्रों मैं ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करना चाहता मैं केवल इतनी सी आपसे बात करना चाहता हूँ कि आप सब लोग इतनी तादाद में यहाँ उपस्थित है यदि सच्चे मन से ठान ले तो इस घमंडी का घमंड चकना चूर कर सकते हो और 3 तारीख को आपको किसी प्रकार से तोप और तलवार लेके नहीं जाना है आपको केवल कलिए का बटन दबाना है और कलिए के बटन के साथ लखन गंगोरिया जी पूर्व विधायक और जनता जनार्दन आपसे एक